दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुनर्नवादी मंडूर के बारे में। इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे, मैंने दो दिन पहले वीडियो बनाया था पुनर्नवादी गुग्गुल के बारे में आपको जानकारी दी थी। तब मैंने आपसे कहा था कि पुनर्नवादी मंडूर के बारे में भी हम जल्द वीडियो बनाएंगे। तो तीन तरह की ये मार्केट में मिलती है पुनर्नवादी, पुनर्नवादी गुग्गुल, पुनर्नवादी मंडूर और पुनर्नवादी भस्म। अब तीनों का काम अलग अलग होता है, तीनों अलग अलग जो है बीमारियों के लिए, परेशानियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुनर्नवादी मंडूर के बारे में। इस वीडियो में डिटेल बात करने वाले हैं किस तरह की दवाई है और किन किन परेशानियों के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पुनर्नवादी मंडूर है आयुर्वेद की क्लासिकल दवाई है, सभी कंपनियाँ इसको बनाती है इसी फॉर्मूले के साथ। और ये शरीर की सूजन को ठीक करने का काम करता है, खून की कमी को दूर करता है और बड़ी हुई तिल्ली को ठीक करता है और पेट रोगों और बवासीर और भी बहुत सारी बीमारियों में काम में लाया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे इसके फॉर्मूले के बारे में, किन किन जड़ी बूटियों से मिलाकर इसको तैयार किया गया। इसका जो मेन कंटेंट होता है वो होता है पुनर्नवा, और इसके अलावा इसके अंदर मंडूर भस्म का इस्तेमाल किया गया, तो उसी के आधार पर इसका नाम पुनर्नवादी मंडूर रखा गया है। पुनर्नवा के अलावा इसके अंदर निशोध, सौंठ का इस्तेमाल किया गया है, पीपल, मिर्च, वाइवडंग, देवदारू, चित्रक, दारू हल्दी, दंतीमूल, त्रिफला, कुटकी और पीपल मूल, नागर मोथा का इस्तेमाल किया गया है, इंद्रजो और मंडूर भस्म और घी, और इसके अलावा एक दो जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से इसको तैयार किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे के बारे में, क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की सूजन को कम करने का काम करता है, उसको ख़त्म करने का काम करता है, चाहे वो लीवर पर सूजन हो या तिल्ली पर सूजन आ गई हो, तिल्ली बढ़ जाती है, या आँतों में सूजन हो, पूरे पेट में सूजन है, तो इस तरह की कंडीशन में जो है सूजन को कम करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव ये साबित होती है। इसके अलावा यह शरीर में जो है नया खून बनाती है, खून की कमी को दूर करती है। पुराना पांडु रोग जो होता है जिसमें खून की कमी होकर शरीर में पानी जमा हो जाता है, तो उस तरह की कंडीशन में जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है शरीर के अंदर, तो इसके कारण शरीर में सूजन हो सकती है, पाचन तंत्र की कमजोरी हो सकती है, पाचन अग्नि धीमी हो सकती है, और इसके अलावा कब्ज़, खाने में अरुचि, पेट में दर्द, इसके अलावा प्लीहा वृद्धि और बुखार, ये कुछ परेशानियाँ हैं जब पानी जमा होता है, तो ये खून की कमी के कारण तब ये परेशानियाँ होती है। तो इन सभी परेशानियों को दूर करेगी क्योंकि खून की कमी को पूरा करता है और पानी की मात्रा को कम करता है। और इसके अलावा है तिल्ली यानी प्लीहा की वृद्धि, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि प्लीहा वृद्धि यानी तिल्ली को ही प्लीहा कहा जाता है, कि वृद्धि होने पर और उसमें सूजन हो गई है तो उससे जुड़े जो रोग होते हैं तो उसमें काफ़ी इफेक्टिव काम करती है। अपचन, पेट का फूलना जैसी जो परेशानियाँ हैं और कब्ज़, पेट में कीड़े होना, इस तरह की कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये मूत्र रोगों में भी इस्तेमाल की जाती है, जिसमें पेशाब बूंद बूंद टपकने जैसी कंडीशन होती है, या पेशाब करते वक्त दर्द का होना या बहुत ज़्यादा दर्द होना, और इसके अलावा मूत्र मार्ग में संक्रमण हो सकता है, UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, और इसके अलावा पेशाब के बाद भी मूत्राशय का भरा भरा सा महसूस होना या पेशाब करने के बाद भी महसूस होना कि अभी पेशाब और आ रहा है या आ सकता है, तो उस तरह की कंडीशन में काफ़ी इफेक्टिव काम करती है। इसके अलावा वात रक्त, यह जो रोग हो जाता है वात रक्त, यह रोग जो है जोड़ों के दर्द से जुड़ा है, जोड़ों में चुभन, दर्द, लालिमा, ये कंडीशन होती है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा काम करता है। और इसके अलावा कफ, खांसी, जुकाम, बवासीर, पीलिया, आंतों के रोग और त्वचा के रोग, ये कुछ परेशानियां हैं जो मैंने गिनाई हैं, इनमें जो है पुनर्नवादी मंडूर का बहुत अच्छा इस्तेमाल देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके डोज़ के बारे में, कितना इसको लेना चाहिए। तो नॉर्मल इसकी डोज़ जो है एडल्ट व्यक्ति में 1 से 2 टेबलेट या 3 टेबलेट तक हो सकती हैं, यानी दिन में 2 बार इसको ले जा सकता है, 2-2 टेबलेट तक भी इसको जो है दिन में 2 बार इस्तेमाल कराया जा सकता है। बैद्यनाथ का 30 टेबलेट का पैक इसका आता है और 60 टेबलेट का भी पैक इसका मार्केट के अंदर मिलता है, जो कि 98 रुपये में 30 टेबलेट आपको बैद्यनाथ की मिलती हैं। बाकी दूसरी कंपनियों का कम या ज़्यादा हो सकता है या बैद्यनाथ का भी समय के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये था वीडियो दोस्तों हमारा पुनर्नवादी मंडूर के बारे में। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।